जी प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हीरोइंस फार्मूला का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और कुछ बेसिक फार्मूलेस जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेलोग्राम के एरिया, ट्रेपेज़ियम के एरिया, रेक्टेंगल के एरिया, है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने ना वो वाला लेक्चर नहीं देखा ना, तो यार जाके वो वाला लेक्चर देख लो। वो सर कहाँ है, आज की वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक है, जाकर आप वहाँ देख सकते हो। और अभी तक मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर, चार चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। वो वीडियो भी इसी चैनल पे हमारे हैं, उनका लिंक भी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यार बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। देखो बच्चों क्या कहता है, एक बार पहले ना क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, ठीक है। आज मैं बुक से रीड करा रहा हूँ ना, बाय द वे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आज मैं बुक से रीड कराता हूँ। देखो पहले एक बार मैं रीड कर लेता हूँ सिंपल, तब मैं हिंदी पर समझाऊंगा, ठीक है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला। इट इज पर इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। सर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। स्कूल अहेड, देखो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जैसे कभी आपने देखा होगा ना, जैसे ट्रैफिक होता ना, तो ट्रैफिक मतलब, अरे भैया कभी आपने देखा होगा ना, जैसे जहाँ पर आप देखते हो रेड लाइट होता है, हाँ जैसे आपको एक है ना, अच्छा हाँ, जैसे जहाँ पर रेड लाइट वाला इलाका होता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड में ना ऐसे लिखा होता है, भैया यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर कॉलेज है। एक बोर्ड है वो किस सेम है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा बोर्ड है, कैसे देखो एक ऐसा ना कुछ बोर्ड बनाया गया होगा ऐसा कुछ, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, मतलब वहां पर सिग्नल देने के लिए लिखा गया हो, ठीक है। इस सेम है वो ट्रायंगल, सेम है वो, और वो सेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में से बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, ठीक है सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, ठीक है, तो इसकी तीनों साइड ए है, मतलब अगर ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी और ये वाली साइड भी इसकी ए हो जाएगी, तीनों साइड इसकी ए हो जाएगी, ठीक है सर। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला। यहाँ पर एकदम क्लियर बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला। ये मेरे पास जो सिग्नल बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, ये ट्रायंगल सेम है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका यूज करके, हीरोइंस फॉर्मूले का यूज करके मुझे इसका एरिया निकालना है पहला, ठीक है। वैसे इसमें आगे भी और भी कुछ बोल रहा है वो, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। चलो इसमें बाद में काम करेंगे, पहले ये बोला ना कि इसका एरिया निकाला हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करके, तो पहले ये पार्ट समझ लेते हैं, इसका एरिया निकालते हैं यार फटाफट, हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करके इसका जल्दी से एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चों अगर एरिया निकालना है इसका, तो फटाफट देखो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं ना कैसे करते हैं, तो फटाफट यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, है ना। और पहले यहाँ लिखना पड़ता है क्या चीज़ दे रखा है, कि ऐसा मान लें लेट ए बी सी इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। हिंदी हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे माना कि ए बी सी एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ए बी सी एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है सर। अब ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड ए बी सी है, तो इसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल है ना, इसके तीनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है सर, है ना। ए बी
ए बी ए सी और बी सी है ना, इसके तीनों साइड क्या होनी चाहिए सर, इक्वल होने चाहिए। ठीक है सर, अब जब भी हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो मैंने आपको समझाया हुआ बच्चों कि सबसे पहले है ना, कि सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या लेट करते हैं, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो उसका जो भी उसका साइड्स होती है, मान लो ए बी को, ए बी को, ए बी मेरे पास क्या है, ए है। फिर ए सी वाली साइड क्या है मेरे पास, वो भी मेरे पास ए है। बी सी वाली साइड क्या है मेरे पास, वो भी ए है। वैसे तो मैंने आपको समझाया था एक साइड को हम ए बोलते हैं, एक को हम बी बोलते हैं, एक को सी बोलते हैं, पर क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों साइड पहले से इक्वल है, इसलिए इसका ऐसा रहने दो, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ऐसा रहने दो उसको। ठीक है, तीनों साइड को ए रहने दो। ठीक है सर, अब देखो प्यारे बच्चों, यानी कि सबसे पहले हम निकालते हैं एस, क्या निकालते हैं एस, ये बताया था ना प्रीवियस क्लास में। देखो बच्चों, जिन बच्चों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा ना, वो जाकर पहले देख लो, क्योंकि मैंने उसमें हीरोइंस फॉर्मूले के बारे में पूरा समझाया हुआ है, ये हीरोइंस फॉर्मूला कैसे होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। अरे एस को हिंदी में क्या बोलते हैं, एस को बोलते हैं, एस को इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर, एस को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है इसको अर्ध परिमाप। तो एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। ठीक है, मेरे पास ए क्या है, वो तो ए है सर, बी क्या है, अरे ये ए है, तो साथ क्योंकि तीनों साइड ना, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी है, तीनों साइड इसकी ए है, इसलिए ए की जगह तो ए आएगा, पर जहां पर बी है वहां भी ए आएगा, और जहां पर सी है वहां भी ए आएगा, और सब के अपॉन में आ जाएगा टू, सब के अपॉन में क्या आ जाएगा सर, टू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, है ना, तो ए बी और कितनी बार ए है, ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 3a अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया सेमी पेरीमीटर आ गया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं पता है, उसके बाद हम लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हीरोंस सूत्र का प्रयोग करने पर, हीरोंस सूत्र का प्रयोग करने पर है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला। ठीक है, अगर हीरोन फॉर्मूला का यूज करें तो एबीसी का एरिया क्या आता है, देखो सर एबीसी का एरिया हम कैसे, क्या 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 होता है सर, याद है, जिसको याद नहीं देख लो भैया, जिस बच्चे को, अगर जिस बच्चे ने पुराना लेक्चर देखा मैंने ना, वो बच्चे उसको समझ जाएगा क्या होता है सर, एस एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी है ना, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है सर, बिल्कुल होता है। ठीक है सर, एस, बट एस क्या होता है, एस होता है ये जो आया सेमी पेरीमीटर, इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप, 3a/2, 3a/2। ठीक है, एस यहां पर क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, और माइनस ए, ए तो ए ही रहेगा। फिर मेरे पास एस माइनस बी, एस क्या मेरे पास, 3a/2 माइनस बी, बी क्या मेरे पास सर, बी वो भी ए ही है, क्योंकि तीनों साइड एक जैसे है ना, क्यों तीनों साइड एक जैसे है, ये भी ए है, ये भी ए भी है, तो बी की जगह भी ए ही आएगा। ठीक है सर, एस ये क्या है, 3/2, जहां पर सी है वहां भी ए आएगा। ठीक है, ठीक है सर, थोड़ा सा इसको और आगे कराता हूँ बेटा, सोल्व कराता हूँ और आगे हमें। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास रहा ऐसे, ठीक है, 3a/2। अब देखो प्यारे बच्चों, देखो सर इसको सॉल्व करना है ना, ठीक है सॉल्व करते हैं सर। देखो, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता हम वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता हम वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो, सॉल्व करने का तरीका, देखो यार सॉल्व करने का तरीका तुम्हें आना चाहिए,
थोड़ा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्लास 9th में पहुँच गए हो, तो थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना आता होगा आपको, है ना सर? आता है। देखो, नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करो। अगर टू ऐड करने का तरीका है, जोड़ने घटाने का तरीका समझा रहा हूँ मैं। नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करो। अगर मैं टू को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू आएगा, मैं टू को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू आएगा, और अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि थ्री ए को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो थ्री ए आएगा, माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो टू ए आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर ही बेटा, ऐसे नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर टू को वन से मल्टीप्लाई करें तो टू आएगा, और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री ए आएगा, माइनस टू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए आएगा। सेम यहाँ पर, अगर टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा, फिर सिमिलरली है ना, और थ्री ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ए आएगा, और माइनस टू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए आएगा। ठीक है सर, है ना? फिर प्यारे बच्चों ऐसा आ जाएगा अंडर रूट में, बिल्कुल ये थ्री ए अपॉन रूट टू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखिए कि अगर थ्री ए में से, अगर थ्री ए में से टू ए माइनस करें, थ्री ए में से टू ए माइनस करें, तो बेटा कितना आएगा? थ्री ए में से टू ए माइनस करेंगे तो ए बाई टू आएगा। यहाँ पर भी थ्री ए में से टू ए माइनस करेंगे तो ए बाई टू आएगा। थ्री ए में से टू ए माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ए बाई टू आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको और आगे बढ़ाए प्यारे बच्चों, देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एक चीज देखो, मैं देख रहा हूँ ऊपर आ रहा है ए ए ए ए ए आ रहा है 4 बार। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ओपन खुला ऐसे लिख देता हूँ, थ्री ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू, ये भी टू ना। ठीक है सर, अच्छा अब देखो सर, ये ना थ्री है मेरे पास, एक काम कर रहा हूँ मैं, 3/2 है ना, और ये सारे ए को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे ए इंटू, ऐसे कर देता हूँ मैं, ए इंटू ए, और जो नीचे सारे टू उनको एक साथ लिख रहा हूँ मैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, है ना? इसमें कोई कौन सा दिक्कत कुछ किया मैंने? ठीक है सर, अब प्यारे बच्चों, अब मैंने कहा अगर मैं चाहता हूँ ये जितने भी मेरे पास नंबर्स हैं रूट के अंदर हैं, अगर जितने भी नंबर रूट के अंदर है, अगर मैं इन नंबर्स को रूट से बाहर लाना चाहता हूँ, तो अगर इन नंबर्स को मुझे रूट से बाहर लाना है तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? कि जो भी नंबर बाहर आते हैं ना, वो जोड़े में आते हैं, जोड़े मतलब पेयर में आते हैं। जैसे ये ए है, तो ये तभी बाहर आ पाएगा जब इसका एक दोस्त होगा, ये ए और ये भी ए, दो बंदे एक साथ है ना, ये बाहर आ जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर, सर आपने तो बोला ये दोनों बाहर आ जाएंगे, पर आपने तो यहाँ पर दो ए के लिए बोला था, यहाँ पर एक ही लिखा है। देखो बेटा, अंदर वो दो होते हैं, बाहर आके एक हो जाता है, ये समझ लो। ठीक है, फिर ये ए और ए, ये अंदर दो थे, बाहर आके एक हो जाएगा वो। ठीक है, तो इन दोनों को इस ए और इस ए से मिलाकर ये ए बन गया, इस ए से मिलाकर ए ए बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा अब ये टू है बेटा, ये टू और टू, एक टू नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इन टू इंटू टू, इन दोनों का एक नीचे आ जाएगा, नीचे मतलब रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एक रूट से बाहर आ गया और इन दोनों को मिलाकर एक बन गया। ठीक है, अच्छा और रूट थ्री का कोई दोस्त है? रूट थ्री का कोई दोस्त है बाहर निकालने के लिए? नहीं है। तो सर ये रूट थ्री क्या रहेगा? ब्रैकेट के मतलब अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ प्यारे बच्चों, रूट थ्री को मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, रूट थ्री, अब देखो बेटा रूट, ये तो रूट में है, और टू टू जो कितना होता है बेटा? फोर होता है, फोर रूट में नहीं है बेटा। ठीक है, रूट थ्री और टू टू जो होता है फोर फोर। ठीक है, और फोर रूट में नहीं है, रूट में ओनली थ्री है, और ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। तो यानी कि जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है ना, जो एबीसी का एरिया आया वो क्या आया? रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। ये तो सर हमारा एबीसी का एरिया आ चुका है, ये एरिया आया हमारा किसका? रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। किसका आया? ये आया ट्रायंगल एबीसी का एरिया। ठीक है सर, अभी ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ चुका है। अब सर इसका जो अगला पार्ट है वो क्या कह रहा है, चलो सर उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है सर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर निकाल चुके हैं। उसके बाद हमें आगे देखना है कि अब आगे क्या कर रहा है। ये कह रहा था ना, फाइंड इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। इफ इट्स पेरीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर
180 सेंटीमीटर दिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अच्छा, तो अगर इसका पेरीमीटर क्या हो, अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो, हिंदी में पेरीमीटर का बोलते हैं परिमाप। देखो बेटा, पेरीमीटर जो मुझे दिया हुआ ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो एबीसी ट्रायंगल है, अगर उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैंने कहा था, मेरे पास ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था मेरे पास, पीछे दिया हुआ था ना एबीसी, ठीक है, इसका नाम भी ए था, इसका नाम भी ए था, इसके नाम भी ए था। मैंने आपको सिखाया था ना, जब मैंने आपको प्रीवियस बेसिक क्लास सिखाया था, मैंने वहां पर कहा था अगर हमें किसी भी ट्रायंगल, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है ना, उसके तीनों साइड को जोड़ दो। तो पेरीमीटर यानी किसी भी चीज का परिमाप निकालना है ना, उसके सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो अगर मुझे ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर निकालना है, तो मैं AB प्लस BC प्लस AC करूंगा। मतलब किसी भी चीज का पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड मतलब एक साइड AB प्लस एक साइड BC और एक साइड AC, ठीक है, एक साइड AB, एक साइड BC, एक साइड AC। तो कितना आ जाएगा सर, तीनों को जोड़ने पर 180 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। बेटा मैं बात करूं AB, तो AB कितना बेटा मेरे पास A है। मैं बात करूं BC, बट BC कितना मेरे पास A है। मैं बात करूं AC, बट AC कितना मेरे पास A है। इन सबको ऐड करूंगा मैं, तो मेरा 180 सेंटीमीटर आ जाएगा। आया नहीं आया बेटा, बिल्कुल आ गया सर। तो बेटा A प्लस A कितना हो गया सर, 3A हो गया। तो 3A इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा सर। क्यों किया है, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में 180 अपॉन में 3। अब 3 का डिवाइड करो बेटा, कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा, तो ए आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये तो आ गया। अब मुझे तो क्या कह रहे थे वो, देख तो सही, वो कह रहे थे कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, मुझे तो उसका एरिया निकालना है ना। चलो भाई एरिया निकालते, क्या दिक्कत है यार, मुझे तो एरिया निकालना है, लो एरिया निकालना ना। अच्छा, तो एरिया तो वैसे ये आया था, पर क्या करना है, कुछ नहीं करना। जहां पर ए है, ए की जगह 60 है ना, हमें एक ए की वैल्यू 60 आई है, ए की जगह 60 रख दो। अच्छा लो सर, एरिया ऑफ जो सिग्नल बोर्ड आया था ना, सिग्नल बोर्ड जो आया था वो आया था √3/4a², ठीक है। तो √3/4a² जहां पर ए है वहां पर क्या रख देंगे, 60 सेंटीमीटर, वहां रख देंगे 60 सेंटीमीटर² ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3/4, तो 60 सेंटीमीटर² दो बार लिख दो, यानी 60 × 60, अरे पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखो जिस बच्चों को आता है, ठीक है, जिसको देखो कितनी बार जाएगा बेटा, 4 का डिवाइड 16 में 15 बार जाएगा, 15 × 60 होता है शायद, ठीक है। हाँ, फिर √3 × 15 को करोगे 6 मल्टीप्लाई, 15 × 6 = 90 जाएगा, 900 सेंटीमीटर². अब ये ना रूट वाला बाद में आता है और सिंपल नंबर पहले, तो ये हो जाएगा 900√3 इतना सेंटीमीटर². ये हमारा क्या आ जाएगा, ये एबीसी का एरिया आ जाएगा। देखो बेटा एबीसी क्या, या जो चाहे हम एबीसी बोले चाहे सिग्नल बोर्ड बोले, उसका एरिया ये आया था। पर जब हमने ना, जब हमने कह रहा कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो, तो हमने साइड निकालनी थी, तो जब हमने इसकी जगह साइड पुट की ना, तो हमारा आंसर ये आया 900√3 सेंटीमीटर², ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर ये हमारा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, इसका आंसर आ चुका है, और एक क्वेश्चन फर्स्ट हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपके समझ में आया होगा, और अगर आप समझ गए तो चलिए यार जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर। ये कहता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, और द साइड ऑफ वॉल्स 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर, फुल स्टॉप। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ₹5,000 per m² पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मैनी
रैन डिड पे, हाँ बड़े क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जब भी आपके आपका समझो कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, मैं तो ये कहता हूँ बेटा, चाहे आपकी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है हार्ड है वो छोड़ो, जब तक तो उस क्वेश्चन को ना हम 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे, जब तक तो उस क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक तो हमारे समझ में कुछ नहीं आएगा। उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करोगे उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। अब ये क्या कहता है, तो द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर हैज बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो आपने देखे ना दिल्ली में फ्लाई ओवर होते हैं, फ्लाई ओवर मतलब जैसे नीचे रोड होती है ऊपर से गाड़ी जाती है ना, नीचे रोड होती है ऊपर से गाड़ी जा रही होती है ना, फ्लाई ओवर टाइप का होता है, ठीक है। तो वहां पर एक फ्लाई ओवर है ना, तो द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भैया जैसे मान के चलो एक फ्लाई ओवर है, यहाँ पर एक रोड जा रही है, एक जा रही है रोड है ना, तो रोड में उस एक कुछ ऐसे ट्राइंगल शेप का फ्लाई ओवर में किसी एक कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने प्रचार के लिए बोर्ड लगाया हुआ है। मैंने मान लिया हमने लगाया हुआ है, हम मतलब नेगी ट्यूटोरियल्स, हम लोगों ने एक एक प्रचार के लगाया हुआ है, ठीक है। मान के चलो हम लोगों को अपने कोचिंग सेंटर का प्रचार करना हुआ, ठीक है, तो हम लोगों ने एक बोर्ड लगाया हुआ है एबीसी टाइप का, ये ट्रायंगुलर बोर्ड है, ठीक है, एबीसी ट्रायंगुलर बोर्ड है, ये हमारे कोचिंग सेंटर का प्रचार कर रहा है, ठीक है। कोई फ्लाई ओवर है वहां पर मैं टांगा हुआ है ऐसा बोर्ड, ठीक है, बोर्ड टांग दिया ना फ्लाई ओवर। देखो फ्लाई ओवर में ऐसे नहीं टांग सकते हम, सरकार जो बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं ना प्रचार करने के, सरकार उसके पैसे लेती है, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी तो रहेगा, लाइट लाइटिंग रहेगी प्रॉपर, रात को भी हर कोई दिख सकता है इसको, ठीक है, ये समझ गए आप। चलो सर, अब कहता है द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 120 मीटर, 20 मीटर और 120 मीटर, मतलब ये जो जो दीवार है ना, जिस दीवार पे हमें वो बोर्ड टांगना है वो दीवार ट्राइंगल शेप में, तो उसकी जो साइड क्या दे रखी है, ये तो बोलना, वो 120 मीटर है और 20 मीटर दे रखा है, 122 मीटर, 20 मीटर और 120 मीटर इसकी मुझे साइड दे रखी है, ठीक है सर। अब ये तो हो गया, अब जरा पहले ना एक काम करते हैं, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग रुपीज रुपीज 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अब अ कंपनी हायर्ड ऑन इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट इट पे। अब देखो बेटा मैं इसका मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ आपको, ये कहता है अब मैंने अगर वहां पर अपना प्रचार के लिए अपना नेगेटिव टोटल्स का बोर्ड लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है मुझे केजरीवाल सरकार को, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा प्रचार के लिए, हाँ भाई देना पड़ेगा पैसा। अब सरकार पैसा मांग रही है तो मुझे बताया भी गया है कि मुझे कितने के हिसाब से, अगर इतना ट्रायंगल है तो मुझे कितना पैसा देना है, मुझे पैसा बताया भी गया है कितना पैसा देना है। अब मुझे लास्ट में पता क्या, मुझे इस क्वेश्चन के लास्ट में पूछ रहा है कि मुझे सरकार को कितना पैसा देना है। देखो प्यारे बच्चों, मुझे सरकार को कितना पैसा देना है मैं ये तभी बता सकता हूँ जब तक मुझे इस ट्रायंगल का एरिया ना पता हो कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। तो सबसे पहले ना इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, है ना। देखो वो आगे मैं उस पर आऊंगा मैं कि ₹5,000 पर ईयर क्या है, उस पर आऊंगा मैं, पहले इस त्रिभुज का जब भी आपको कोई ट्रायंगल वाला क्वेश्चन देखे और पूछे कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी है, लागत कितनी है, कितना खर्चा आएगा, अरे खर्चा उर्चा जाए तेल लेने, सबसे पहले इसका एरिया निकालो ना, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सर इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं एबीसी का, ठीक है सर। जैसे मेरे पास ए बी है, जो ए बी है ना, ए है 122 मीटर, ए बी है मेरे पास 122 मीटर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ऐसे लिखते हैं कि ये ऐसे मैंने मान लिया कि लेट ए बी सी बी आ ट्रायंगुलर वाल, ऐसा मानना पड़ेगा हिंदी पहले ना, हिंदी में बोलेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुजाकार, माना कि एबीसी एक त्रिभुजाकार दीवार है, माना कि एबीसी एक त्रिभुजाकार दीवार है, लेट एबीसी बी ए ट्रायंगुलर वॉल, माना कि एबीसी एक त्रिभुजाकार दीवार है, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगुलर वॉल है मैंने मान लिया, लेट एबीसी बी ट्रायंगुलर वॉल मैंने ये मान लिया बेटा। चलो भैया क्या दिक्कत है,
ठीक है, रेड कर लिया सर, कर लिया। अब प्यारे बच्चों जो ए बी है, अब लिख दो क्या क्या देगा मुझे, दो बेटा मुझे ए बी की वैल्यू क्या दे रही है, ए बी, तो ए बी 122 है। अब देखो मैंने समझाया था ना, किसी एक इसमें से किसी तीन साइड दे रखी है, एक साइड को ए मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो। मैंने मान लिया मेरे पास जो ए है ना वो ए है 122 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास बी सी है, मैंने बी सी को मान लिया बी, और बी मतलब 20 मीटर। मैंने ए सी, मेरे पास ए सी है, मैंने ए सी को मान लिया सी, ये हो गया 120 मीटर। एक हो गया 122, एक हो गया 20, एक हो गया 120 मीटर, ठीक है ना, कर लिया सर, बिल्कुल कर लिया है ना, 122, 20 और 120 मीटर। अब देखो बेटा ये मेरे पास है, अब प्यारे बच्चों ये तीनों चीज़ मैं कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एस निकालना है। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए क्या बेटा मेरे पास 122 मीटर है, बी क्या बेटा मेरे पास 20 मीटर है, और सी मेरे पास है बेटा, है ना, सी मेरे पास है 120 मीटर है, और इन तीनों का अपॉन में कितना आएगा, 3 आएगा, 3 नहीं 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है सर। और एक बार बेटा इन सबको ऐड करते हैं, तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, ये 100, ये होगा 200, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 200, कितना बेटा 20 20 20, 262 अपॉन में 2 आएगा पक्का सर, है ना, इतना ना सर 200 और 20 40 60, 262, ठीक है सर, कितना का सर ये, अगर करें तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है, ये सर हमारा आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही मुझे है 120 122 ना, तो सर प्यारे बच्चों हमारे पास 2 और 2 और 2 4, ठीक है सर। अगर बात करूँ 2 और 2 2 4 2 6, ठीक है, और ठीक है सर हमारा 131 मीटर आ जाएगा, ठीक है सर, 131 मीटर आ जाएगा। अच्छा आप प्यारे बच्चों जरा एक काम करते हैं, ये 131 मीटर आ गया हमारे पास, ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ये ऐसा आ गया, उसके बाद क्या निकालना है, अब लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला, ये तो लिखेंगे यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला, क्या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है ना हीरोंस सूत्र का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर क्या होता है सर, सर वही तो होता है यार, क्या वही, अरे सर अंडर रूट उसके बाद एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है सर, बिल्कुल सही है बेटा। एस क्या है सर, एस आया हमारे पास 131 मीटर, 131 मीटर आया सर हमारा, 131 मीटर आया, ठीक है, एस माइनस ए, एस क्या है 131 मीटर, और ए क्या सर मेरे पास बेटा, हमने ए कैलकुलेट किया है ना बेटा, ए क्या हमारे पास, ए 122 मीटर है, ठीक है, एस एस क्या हमारे पास सर, एस एस 131 मीटर है, एस एस माइनस बी बेटा, बी क्या मेरे पास 20 मीटर है बेटा, एस माइनस सी, एस माइनस सी है ना बेटा, एस कितना हमारे पास सर, एस हमारे पास सर एस 131 मीटर है, और सी क्या हमारे पास 120 मीटर है, ठीक है सर। इसके बाद क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे सर, यहाँ पर सेम ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, अब 131 मीटर, अगर 131 मीटर में से 122 मीटर घटाओगे तो कितना आएगा सर, कितना आएगा सर जल्दी बताओ, बट टाइम मत लो यार, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना आएगा कर हमें नहीं पता यार, अरे घटाओ जल्दी घटाओ ना, 131 में से 120 घटाओ कितना आएगा, 9 मीटर, चलो 9 मीटर मान लिया मैंने, ठीक है, 131 और 20 घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा 111 मीटर, करे 111 मीटर, ठीक है, 131 में से ये घटाओ कितना आएगा, 11 मीटर, करे कितना आएगा, 11 मीटर आएगा पक्का, इतना ही आएगा देख लो भाई। अब यहाँ पर बच्चों आपने कर ली गलती, जो इनका सम आएगा ना वो कितना आएगा सर, इनका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा 264,
इनका सम कितना आएगा 264, तो यहाँ पर फिर आएगा 132 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 132 आएगा, तो यहाँ पर 132 आएगा, यहाँ पर 132, यहाँ पर भी 132 आएगा, यहाँ पर 132 आएगा, है ना, और फिर यहाँ पर भी क्या आएगा 132 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 10 है, कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना का फिर 12 आएगा, नहीं ये आएगा कितना का, ये आएगा बेटा प्यारे बच्चों 112, 112 आएगा, ठीक है, ये आएगा कितना 112, ठीक है, दो आ जाएगा और तीन में से दो हो गया एक, तो आ जाएगा 112 और एक, ठीक है, और ये कितना आएगा बेटा 130, प्यारे बच्चों हाँ ये 12 आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ आएगा। अब एक काम कर दो, ठीक है, एक काम कर दो कि ये जो मेरे पास है ना, ये जो मेरे पास बचे, एक बार दोबारा लिखता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरे पास कितना आया था सर, ये मेरे पास आया था 132 मीटर, ये मेरे पास आया था 132 में से 122 घटाया था, कितना आया था, ये मेरे पास आया था 10 मीटर, ये मेरे पास आया था 112 मीटर, है ना, और ये मेरे पास आता है 12 मीटर आए थे, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, अगर 132 के हम फैक्टर करें, देखो हमें फैक्टर करना आना चाहिए, प्राइम फैक्टर करना आना चाहिए। अब प्राइम फैक्टर करने के लिए ना आपके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रफ पेज लेना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रफ पेज लेना पड़ेगा आपके लिए, क्या लेना पड़ेगा, एक रफ पेज लेना पड़ेगा, लग रहा है रफ पेज, रफ पेज, रफ पेज लेना, रफ पेज एक, है ना, एक रफ पेज दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखो अगर 132 का फैक्टर करें हम, 132 का फैक्टर करें तो देखो बेटा कितना आएगा पता है ना, अगर हम 132 का फैक्टर करें एक बेटा, तो देखो बेटा अगर हम करना सिखाऊँ पहले, 2 का डिवाइड करो बेटा इसमें कितनी बार जाएगा सर, 2 6 2 6 12, 2 6 12, 2 का डिवाइड करो बेटा कितनी बार, 33 बार, 2 3 6, है ना, फिर 3 का डिवाइड करोगे इसमें, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या फैक्टर आ रहा है सर, 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, तो इसका फैक्टर क्या आ रहा है बेटा, जो मैं यहाँ पर एक बार ऐसे कर देता हूँ, मैं जो फैक्टर आएंगे ना इसके 132 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। 10 के फैक्टर क्या होता है सर, 10 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5, 112, अगर 112 का फैक्टर करोगे ना 112 के, देखो सर क्या आएंगे, 2 से करो सर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से करो सर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, सर 2 से करो सर बात करें, 2 से करें कितना आएगा सर, 2 से 14 टाइम, सर 2 से 7 टाइम, और 2 से जाएगा ना 7 7 ही होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 7 जा, ना तो कितनी बार 4 आ रहा है सर, 1 2 3 4 बार, है ना, 4 बार आ रहा है, यानी सर 1 2 3 4, और इंटू में कितना आ रहा है सर, हमारे पास ये आ रहा है 7, तो आ रहा था ना सर इंटू में, यही तो आ रहा था सर, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा तो प्यारे बच्चों हमने सही किया ना, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 112 का फैक्टर क्या था हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 7 जा, ये 7 है। अगर 12 का फैक्टर करें तो सर 12 का फैक्टर करने पर क्या मिलेगा सर, 12 का फैक्टर करने पर हैं 12 के कुछ नहीं, चेक करते हैं सर कितना मिलता है सर, एक बार 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 क्या 12। अब देखो बेटा जब भी ना ब्रेक रूट के अंदर मीटर या मीटर स्क्वायर आता है ना, ये हमेशा इसको ओपन करने के बाद ना ये बाहर मीटर स्क्वायर बन जाएगा हमेशा, ये हमेशा जब जो मीटर होते हैं सेंटीमीटर होता है ना, ये कभी भी रूट के अंदर नहीं रहते, ये बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये है ना, ये बाहर आकर क्या बन जाएगा, हमेशा मीटर स्क्वायर रहेगा, मतलब बाहर आकर हमेशा मीटर स्क्वायर ही बनेगा हमारे लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर आगे बात करें बेटा, अब किस किस का पेयर बन रहा है, देखो किसका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर 2 का पेयर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और 2 का पेयर कहाँ बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 को बाहर लिख दो, जिसका जोड़ा बनता जा रहा है उसको बाहर लिखो, लिख दिया बेटा बाहर लिख दिया, ठीक है, फिर और किसका बन रहा है, इस 2 के साथ पेयर बन रहा है, एक बाहर लिख दिया मैंने, फिर इस 2 का इसके साथ बन रहा है, मैंने बाहर लिख दिया,
फिर इस टू का, जैसे चलो इन टू का इसके साथ बन रहा है, इसे मैंने क्या लिख दिया, भार लिख दिया। जिसका पेयर बनता जा रहा है उसको भार लिखो, है ना। इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, भार लिख दिया। इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, भार लिख दिया। इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, भार लिख दिया। इन दोनों का जोड़ा बन रहा, मैंने इसको मैंने भार, तो कितने, 1 2 3 4, मैंने चार पेयर बन रहे हैं, मैंने 1 2 3 4, इनको चारों को मैंने भार ना रूट के भार लिख दिया। अब जरा बात करते हैं थ्री के लिए, ठीक है। इस थ्री का किसके साथ पेयर बन रहा है सर, इस थ्री का पेयर बन रहा है इसके साथ। तो इन थ्री का पेयर बन बन इस थ्री का जोड़ा बन रहा है इसके साथ, इसे हम लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, और प्यारे बच्चों 11 का क्या पेयर बन रहा है सर, 11 का पेयर नहीं बन रहा बेटा, 11 का पेयर यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। 11 का पेयर बन रहा है, नहीं सर 11 का पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंदर लिख देंगे, और क्या रह गया सर, टू की बात भी हो चुकी है, सबकी बात हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों किसका पेयर नहीं बन रहा है सर, यहाँ पर बात करें जो पेयर नहीं बन रहा ना, वो एक तो 11 का पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, और एक 7 का पेयर नहीं बन रहा। 11 का कोई दोस्त है, नहीं, ये अंदर ऐसे रहेगा। 7 का कोई दोस्त है, नहीं, ये रूट के अंदर रहेगा। और एक ये 2 भी है, एक ना ये वाला 2 भी है बेचारा, इस 2 का भी कोई दोस्त नहीं है, तो ये सर ये क्या रहेगा, ये भी रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है सर। तो सारे 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4, 8 टाइम्स मैंने 4 टाइम्स लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 3 का ऑलरेडी पेयर बनना है, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 11 का, 7 का, 2 का नहीं बन रहा। अब देखो बच्चों, प्यारे बच्चों अगर इनको मल्टीप्लाई करें हम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48, ये आएगा 48। और अगर मैं 11 × 7 × 2 को अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ बेटा, तो प्यारे बच्चों 11 7 जो होता है मेरे पास 77, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो 2 7 जा 14, और 2 7 जा 14 1 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 154। ये इनको मल्टीप्लाई करने पर पता कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो ये तो अभी मेरे पास इनको वो करने पर आया, मल्टीप्लाई करने पर, मतलब अभी फिलहाल जो एरिया इस ट्रायंगल का एरिया आया ना, वो कितना आया, 48 रूट 154 मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे लग रहा है शायद हमने कोई गलती कर दी है, गलती ये कर दी है कि अगर थोड़ा ऑब्जर्व किया जाए ना, तो यार माइनस करने में गलती हो जा रही है सर, ठीक है। आई थिंक हमने सर कुछ माइनस करने में क्या कर दी, कुछ गलती कर दी है, ठीक है, गलती कर दी है, ठीक है सर, हमने गलती ये कर दी प्यारे बच्चों, हमने ना मेरा आई थिंक एक मिनट बैठा ना, गलती हमने ये कर दी मेरे ख्याल से बच्चों, जैसे 2 और 112 22, ठीक है। देखो बच्चों मैं बताता हूँ, लेकिन वेट ए मिनट, हाँ वेट ए मिनट, तो सर हमने ना सबसे बड़ी गलती की क्या, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती पता क्या, देखो बच्चों हमने, देखो सबसे बड़ी गलती हमने ना शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या कर दिया है गलती ना। देखो प्यारे बच्चों यहाँ हम गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते जा रहे हैं, क्योंकि ये है 22, ये है 22, और मैंने लिया यहाँ पर 20, मैंने लिया यहाँ पर 20, ठीक है, ये 22 है, ये है 22, ठीक है सर, तभी तो सर गलती हो जा रही है ना, गलती पर गलती। अब देने मेरी गलती नहीं, अब ये 22, ये फिर मैंने सही लिया, ये मैंने सही लिया है, ये 22 है ना, ये मैंने सही, ये सही आ रहा था, ये 22 है, ठीक है सर, ये 22, अरे यार ढक्कन नीचे गिरी अब, ठीक है, ये 22 है बेटे यहाँ पर, ये है 22, ठीक है, ये 22 है। अब थोड़ा यहाँ पर बार बहुत सारी गलती होने वाली है, अब थोड़ा घिसपिस हो गया है, बाकी तो जा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 22 है ना, तो ये आएगा 110 आ जाएगा, ये आ जाएगा 110, ठीक है। अब इसका फैक्टर हम थोड़ा सा फिक्स का फैक्टर में चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, तो इसके फैक्टर जो होंगे ना, तो इसके फैक्टर ठीक हो गए, इसके फैक्टर 2 × 5, अब जो इसके फैक्टर होंगे ना वो गए 2 × क्या होगा बेटा, 2 × इसका फैक्टर करोगे ना 11 के इसके, तो 2 × 5 = 10 और 11, तो एक तो 7 आएगा नहीं यहाँ पर, एक तो इसके जो फैक्टर किया मैंने 2 × 5, और यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी तो सेम चल रहा, बाकी सेम चलेगा हमारा,
तो अब एक चीज देखो, मैं पहले चीज को टू कितनी बार आ रहा है, अब टू कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, यार 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम आ रहा है टू पक्का। नहीं यार, 2 5 कैसे आ रहा है, 2 2 4 3 12, ये ठीक है, 2 5 2 5 10, और 2 2 4, और नहीं, ये फिर एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, ये 2 नहीं आएगा फिर, ये 2 2 4 3 12, 12 × 11, ये तो ये आ जाएगा, 2 × 5 ये इसके लिए आया, 2 × 5 2 5 10, ये इसके लिए आया, ठीक है। टू कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार अंदर आ रहा है, तो 3 बार बाहर लिखेंगे, 1 2 3, ये नहीं आएगा। थ्री कितनी बार आ रहा है अंदर, 1 2, 1 बार बाहर आएगा, ठीक है। फाइव कितनी बार आ रहा अंदर, 1 2, तो 1 बार बाहर लिख देंगे इसको। सर 11 कितनी बार आ रहा है अंदर, 2 बार, तो 1 बार इसको बाहर लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना मेरे कैलकुलेशन का, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 12 5 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8, 2 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 जा 24, 24 × 5 × 11। तो अगर सर हम 24 को ना, अगर हम 24 को करें इससे, हम किससे मल्टीप्लाई, 24 को 5 से करें तो 120 आता है, कितना आता है, 120 120, और 120 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 12 को 11 से करेंगे तो 132 1320 इतना मीटर स्क्वायर, 1320 इतना मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया आएगा। बड़े मुश्किल आया, इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब ये इसका एरिया आ गया, अब देखो बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं कि जो भी है मेरे पास एरिया ऑफ बोर्ड, बेटा बोर्ड का एरिया कितना आया, 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है, बोर्ड का एरिया आया। अब देखो बेटा उसके बाद आगे एक बार देखते हैं, अब आगे बढ़ते फटाफट, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कहता है द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब जो ना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो कितना है, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि यार खर्चा जो एडवर्टाइजमेंट का है ना, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर देखा जाए, देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा, कोशिश करो, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, देखो 1 मीटर स्क्वायर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये जो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा लिखना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर प्रचार का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पता कितना है, ₹5000 है। थोड़ा ध्यान दो, कोशिश करो समझने की, देखो 1 मीटर ये कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट 5000 है, जबकि जो मेरे बोर्ड का एरिया था इतने आ रहा है, तो लिख देंगे 1320 मीटर स्क्वायर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा तो 5000 आता है, 1 मीटर स्क्वायर खर्चा तो 5000 आता है, तो 1320 का कितना आएगा, ठीक है, तो इसका जो खर्चा कितना आएगा, क्या कर देंगे, 1320 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा इतना रुपये आएगा, इतना रुपये आएगा। देखो सर क्योंकि खर्चा दे रखा ना, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5000 है। अब ये तो वही बात हो गई ना यार, अगर जैसे एक पेन आता है मेरे पास, अगर आपको ये पूछे कि एक पेन आता है 5 रुपये का, तो 10 पेन कितने का आएंगे, एक पेन 5 रुपये का, 10 पेन 50 का आएंगे, 5 × 10, तो अगर 1 मीटर का स्क्वायर का खर्चा 5000 रुपये आता है, तो 130 का कितना आएगा, मैंने उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब ध्यान दो ना बच्चों, ये जो खर्चा है ना, ये 1 ईयर का है, ये 1 ईयर का है, ये 1 साल का है, 1 साल का दिया मुझे। अब मुझे कहता है आगे आगे तरह इसको देखते हैं,
कि अ कंपनी हायर्ड ऑन द वॉल्स फॉर 3 मंथ, हाउ मच इट डिड पे। जो कंपनी है, कंपनी मान लो हम लोगों ने, अगर मैंने वहां पर बोर्ड लगाया था ना, तो एक कंपनी क्या करती है, 3 महीने के लिए अगर अपना बोर्ड लगाना चाहती है, मतलब अगर ये क्या है, ये तो ये है ना, ये जो इतना आया ना, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये पता क्या आएगा, ये आएगा कंपनी का 1 साल का खर्चा, ये आएगा 1 साल का। पर कंपनी को क्या करना है, कंपनी को तो 3 महीने के लिए रखना है ना अपने उस किराए पे, कंपनी को तो बोर्ड जो प्रचार के लिए लगाना है वो तो 3 महीने का किराया देना है, तो ये समझो 1 साल का किराया है, ये पूरे 1 साल का बुक में बोला है गया पर ईयर, ये 1 साल का है, जबकि मुझे निकालना सिर्फ 3 महीने का, 3 मंथ कॉस्ट। तो चलो पहले पहले 3 मंथ कॉस्ट, ये तीन मुझे 3 महीने का निकालना है, तो पहले 1 महीने का निकालो, 1 मंथ कॉस्ट, 1 मंथ का खर्चा क्या होगा बेटा, 1320 5000 अपॉन डिवाइड बाई 12 कर दो, क्यों क्यों, देखो बेटा ये पूरे 12 महीने का है, 1 साल मतलब 12 महीने, अगर 12 महीने का है, अगर 1 साल, अगर मुझे 1 महीने का निकालना है, क्योंकि 1 साल में होते 12 महीने, तो मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 से क्यों डिवाइड किया है, इससे मेरा 1 महीने का निकल जाएगा, ठीक है, 1 महीने का निकल जाएगा। अब 3 मंथ का निकालना है, क्या करेंगे, 1320 इंटू में 5000 अपॉन में 12 ना, इसको पता किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, क्यों, अरे ये मुझे दे रखा है 1 महीने का, ठीक है, तो तुम 12 से डिवाइड किया 1 महीने का आया, जब डिवाइड करने के बाद ना ये पूरा खर्चा कितने महीने का आया, 1 महीने का, तो जब इसको मैं 3 से गुणा करूंगा 3 महीने का नहीं आ जाएगा, है ना, डिवाइड करने पर 12 से क्यों डिवाइड किया, ये 1 महीने का आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 मंथ का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, देखो पहले यहीं पे सोल्व कर सकते थे, देखो 11 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 12 का डिवाइड ये 11 बार जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 11 फिर 5 ये मेरे पास आ जाएगा इंटू 3, ठीक है, और मैं एक काम करूँ, पहले 11 को मल्टीप्लाई करते किससे, 3 से, तो 11 थ्री जाए 33, ठीक है, और 0 और ये 5000। देखो बेटा है ना, अगर और करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 3 15, अब 5 3 15 और 1 16, कितना आ जाएगा सर, 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh 16 lakh 50 thousand, यानी 16 लाख 50 हज़ार, ऐसे बोल देंगे, हैंस लास्ट में लिख देंगे, हैंस द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ वो आएगा ₹16,50,000। मतलब क्या सर, यहाँ बोलेंगे अतः जो प्रचार करने का जो खर्चा आएगा, जो एडवर्टाइजमेंट करने का जो 3 महीने का खर्चा आएगा, वो कितना आएगा, 16,50,000 आएगा, ये आ गया सर हमारा खर्चा आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, चलिए सर, है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए सर क्वेश्चन 3 रीड करते हैं, ये बोलता है, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है, इफ द साइड ऑफ द वॉल्स 15 11 6, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर। तो यार इसको इस बार क्वेश्चन को सही लिखना पड़ेगा, पिछली बार बहुत सारी गलतियां हो गई थी। देखो ये कहता है एक पार्क है, दिख रहा है आपको पार्क, ट्रायंगल शेप में, बिल्कुल एक पार्क है ट्रायंगल शेप में, इस पार्क का नाम क्या है, ABC नाम है इसका, एक पार्क है ट्रायंगल शेप का, इसका नाम है ABC, इसकी कितनी साइड, 3 साइड है, एक है 3 साइड है इसकी, है ना, 3 साइड है, अच्छा एक को मैंने 11 मीटर मान लूंगा, मुझे दे रखा है 3 साइड दे रखी है, 11 6 5, एक पार्क है मुझे दे रखा है, ठीक है, उसके थ्री साइड है 11 मीटर 60 मीटर 15 मीटर, 11 मीटर 60 मीटर 15 मीटर, ओके 3 साइड इसकी पार्क की। अभी कह रहे पार्क में लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, भाई कह रहे कि पार्क को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखे, कुछ नहीं करना मुझे, क्या करना, ये दे रखा मुझे, बोल क्या रखा इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर, ये देखो यार यहाँ इस इतने वाले पार्ट में मुझे करना है पूरा, है ना, इतने पार्ट
इतने पार्ट के, मतलब ये समझो ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये मेरे पास पार्क है, मुझे इसके पूरे अंदर पेंट करना है। तो मुझे बताना है जितने पार्ट में हम पेंट करेंगे उसका एरिया कितना हुआ। अच्छा तो साइड सही लिखने, इस बार दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो 11, 15, 6 मीटर, लगभग ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऐसा वही मान लो कि लेट ए बी सी बी है पार्क, ए बी सी को पार्क मान लिया मैंने, ठीक है। अच्छा तो ए बी इसको मान लो ए, ए मतलब 11 मीटर, बी सी इसका मान लो बी, बी मतलब 15 मीटर, ए सी इसको मान लो सी, सी मतलब 60 मीटर, है ना। सबसे पहले क्या निकालता है बेटा, एस निकालता है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू, ठीक है सर। ए क्या मेरे पास 11 मीटर, बी क्या मेरे पास 15 मीटर, सी क्या मैंने 15, 6 मीटर अपॉन में टू। बेटा कितना आएगा देखो, 15, 6, 21, 21, 11 कितना आएगा, 32 मीटर आएगा। पक्का आएगा, पक्का पक्का सर, ये डिवाइड करने पर कितना आएगा सर, 16 मीटर आएगा, है ना। टू का डिवाइड करेंगे, टू का करेंगे यार, ऐसा आ गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया क्या निकलता है भाई, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या सर मेरे पास, बेटा एस कितना मेरे पास, 11 मीटर है। ब्रैकेट के अंदर आएगा 11 मीटर माइनस ए, है ना। एस सॉरी एस 11 है, अरे एस 16 है रे, 16 है भाई, ठीक है। 16 माइनस ए, ए क्या 11, एस एस माइनस बी, एस मेरे पास 16 है, बी बी मेरा 15 मीटर है। उसके बाद एस माइनस सी, एस 16 है और सी क्या हमारे पास 6 मीटर, देखो सर 16 से कट, सर 16 में लेस करो 11 कितना आएगा सर, 15 मीटर आएगा। सर 16 मीटर से माइनस करो 15 मीटर कितना आएगा सर, 1 मीटर आएगा। 16 में 6 माइनस करोगे सर कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। अब प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको समझाया था ना प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर में, मतलब क्वेश्चन में समझाया था मैंने, ये जो भी आता है ना मेरे पास ब्रैकेट के अंदर, इन सबको मैं बाहर लिख, मतलब जो मीटर स्क्वायर आता है ना, ये जो भी ये रूट के बाहर आ जाएगा बेटा। क्योंकि देखो इन दोनों का पेयर बनाओगे, इन दोनों का पेयर बन जाएगा। 16 का फैक्टर करोगे कितना आएगा सर, 2 × 2 × 2 × 2, देखो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। सर 15 का फैक्टर कितने आएंगे, 3 × 5, 1 का फैक्टर तो छोड़ दो, 10 का फैक्टर क्या आएगा, 2 × 5। अब देखो सॉल्व करने का बढ़िया तरीका, देखो 2 को गिनो कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 बार, 5 बार आ रहा है ना। तो यानी ये आ रहा है 1, 2, 3, 4, 4 बार आ रहा है, तो 2 बार बाहर लिख दूंगा मैं, 1 और 2, जानते हो ना, क्योंकि इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का जोड़ा बन जाए ना, 1, 2, 3, 4, 4 बार अंदर आ रहा है तो 1 बार में लिख दूंगा, 2 बार बाहर लिख दूंगा उसको मैं, ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है सर, 2 बार, 1 बार बाहर लिख दूंगा मैं। इस 3 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये 3 और 2 ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो सर 2, 2 = 4, 4, 5 = 20, 3, 2 = 6, 20√6 इतना मीटर स्क्वायर, यानी जो 20√6 मीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आ जाएगा, मतलब इतने वाले पार्ट में हमारा पेंट किया जाएगा। 20√6 मीटर स्क्वायर आया ना, इतने वाले पार्ट में पेंट किया जाएगा।